रोज रोज लेट। रूपा, रूपा। हाँ अभी आई। अरे ये अखबार वाला क्यों नहीं आया अब तक? बस आता ही होगा। कल मैंने उसे समझाया था कि साहब को चाय से पहले पेपर चाहिए, अगर टाइम पे नहीं आया तो बंद कर देंगे। आया ही नहीं, आज भी लेट। मगर अब तक तो आ जाना चाहिए ना उसको। अब नहीं आया मुझे तो क्या करे। पेपर वाला आ गया। आज पेपर की ना तुम्हें बहुत जल्दी लगी है। बात ही कुछ ऐसी है। हाँ क्या नंबर था उसका? क्या क्या ढूंढ रहे हो? अरे लॉटरी। ये पता नहीं तुम्हें कहाँ से ना ये लॉटरी का भूत सवार हो गया है। अरे तुम क्या जानो, जब किस्मत बदलनी होती है ना तो ऊपर वाला चमत्कार कर देता है। 5 5 1 1 4 4 2 2 Yes! अरे लॉटरी लग गई हमारी ऊपर। लॉटरी लग गई। तुमने नंबर ठीक से चेक तो किया ना? हाँ, सारे नंबर देख लिए, सारे नंबर मैच हो गए। हम लखपति बन गए पूरे 50 लाख रुपए। एक सेकंड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो विश्वास तुम्हें तब होगा जब जीती हुई रकम तुम अपने हाथ से लेकर आओगी इस घर में। क्या आवाज कहाँ से आई? शायद वहां से। शायद खिड़की से आई। मुझे तो उस पत्थर में कुछ लगा है ना? क्या है? पेपर? क्या इस कुछ नहीं, में? कुछ नहीं। दिखाओ ना। कुछ नहीं। मोहित, मुझे उस पेपर में क्या दिखाओ? मुझे माचिस। माचिस? माचिस। माचिस क्यों चाहिए तुम्हें? दिखाओ ना पेपर में क्या। कुछ नहीं, चुप रहो प्लीज। तुम माचिस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं। मोहित तुम क्या कर रहे हो? मोहित कुछ नहीं है प्लीज। मोहित पेपर को क्यों चला रहे हो तुम? अरे भाई ये चीखने की आवाज कहां से आई? अरे भाई साहब, अरे 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 कोई आओ। अरे अरे ये तो मोहित है। मोहित, अरे इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा वरना ये तो मर जाएगा। मोहित, अरे क्या हुआ, ये कैसा हल्ला है? लगता है इसने दम तोड़ दिया। मोहित, क्या हुआ? मोहित, मोहित उठो। मोहित, क्या हुआ इसे? क्या हुआ मोहित? मोहित आगे कौन है? मोहित, 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 मोहित। सचिन, ये बिल्कुल बालकनी के नीचे ही गिरा है। अगर इसे कोई धक्का मारता तो यहाँ पर नहीं गिरता बल्कि थोड़ा दूर गिर जाता। हाँ सर, सर कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? अब लगता तो वैसे ही है, सिर पे गिरा है। सर, काफी ऊंचाई से गिरा है। हाँ सचिन, तो पलटाओ इसे, देखो और घाव के निशान है कि... नहीं सर, और तो कोई भी घाव नहीं है सर। I'm sorry, रूपा जी, लेकिन देखिए आपको हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जरा बताइए, आप उस 5वीं मंजिल पर रहती है ना जहां पे लाइट लगा है? जी। तो आपके पति उस 5वीं मंजिल से नीचे गिरे हैं? गिरे नहीं है वो, उन्हें किसी ने गिराया है।
किसी ने धक्का मार के गिराया है। गिराया गया? धक्का दिया? कौन धक्का दे सकता है उन्हें? ये मैं नहीं जानती, मतलब मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आत्महत्या। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि किसी ने आपके पति को धक्का दिया? आप ही बताइए एसीपी साहब, जो इंसान आज सुबह 50 लाख की लॉटरी जीतता है वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ क्यों करेगा वो? आपके पति ने 50 लाख की लॉटरी जीती? जी 50 लाख की लॉटरी। सर कोई 50 लाख की लॉटरी जीतने के बाद आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो, 50 लाख रुपए जीतने के बाद कोई आत्महत्या क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। रूपा जी, हम आपका घर देखना चाहेंगे, आपको हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। यहाँ थे आपके पति और यहाँ पे किसी ने धक्का मार दिया? ये जब हादसा हुआ तब तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। बेडरूम में? जी। चलो जरा दिखा। सो रही थी मैं। ये आपके और मोहित के अलावा भी घर में कोई और था? नहीं, बस हम दोनों इस घर में रहते हैं। मोहित को कुछ काम आ गया तो वो स्टडी रूम चला गया और मैं यहाँ आकर सो गई। फिर अचानक मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। जब मैं नीचे गई तो मोहित। I'm sorry रूपा जी, क्या बता सकती है वो लॉटरी की टिकट कहाँ है? इसी अलमारी में रखी है। अच्छा, अलमारी में रखी है। चलो हम उसे देखना चाहेंगे। काजल, इस घर को देख के ऐसे लगता तो नहीं कि कोई हाथापाई हुई है यहाँ पर या कोई झगड़ा उगड़ा? नजर यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा है। वही तो। तो फिर ये मोहित की बीवी ये क्यों कह रही है कि मोहित को किसी ने धक्का दिया यहाँ से? सचिन, अगर मोहित ने आत्महत्या की है, अगर मोहित ने आत्महत्या की है तो उसने कहीं ना कहीं तो कुछ लिख के रखा होगा, कोई चिट्ठी, कोई सुसाइड नोट, है ना? देखो जरा। नहीं सर, यहां पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं है सर। तो है ना, बड़ी अजीब बात, घर में सिर्फ दो ही लोग हैं, रूपा और उसका पति मोहित, तीसरे किसी आदमी के अंदर होने का या आने का निशान ही नहीं है, और फिर भी रूपा बार बार कह रही है कि किसी ने मोहित को यहां से धक्का मार के खून कर दिया। हे भगवान, ये तो रूपा की आवाज है। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सब इसके लॉकर में गहने चोरी हो गए सर। क्या? गहने भी चोरी हो गए? जी, यही पे मेरे सारे गहने थे। अच्छा, वो लॉटरी का टिकट? सर, ये वो जीता हुआ 50 लाख रुपए का लॉटरी का टिकट, और सर ये वो न्यूज़पेपर जिसमें इसका रिजल्ट है। सी, लॉटरी का टिकट भी गहनों के साथ रखा हुआ था लॉकर में। पहली बार ऐसा चोर देखा?
जो गहने तो चुरा के ले गया लेकिन लॉटरी की जीती हुई है 50 लाख की टिकट ये छोड़ गया यहाँ पे। सर हो सकता है कि चोर को पता ही ना हो कि ये जीता हुआ लॉटरी का टिकट है, और वैसे भी रूपा ने ये न्यूज़पेपर अलग रखा हुआ था। रूपा एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लॉकर कब खुला था, गहने कब देखे थे? आज सुबह जब मैं ये लॉटरी का टिकट यहाँ लॉकर में रखने आई तभी सारे गहने थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो इस अलमारी में तो ऐसे कोई भी निशानी जिस तरह का लगे कि इसे जबरदस्ती खोला गया है? कोई बात नहीं, इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सबके सब उठाओ और अलमारी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। आप इसी कमरे में सोई थी ना? जी। और इस कमरे में चोरी हो गई आपको पता तक नहीं चला? मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि मुझे पता कैसे नहीं चला। हाँ, हो सकता है जब मुझे नीचे से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी मैं नीचे गई, हो सकता है चोर ने तभी चोरी की। मतलब रूपा तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस आदमी ने मोहित का खून किया उसी ने तुम्हारे गहने भी चुराए थे और वो गायब हो गया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन एक काम करो, इस एरिया में जितने भी चोर हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में हैं, उन सबको उठा। रानी एक ही झटके में गई ना। अब तो मेरा कमाल देख पकिया, एक झटके में तुझे अंदर डालता हूँ। अबे सीआईडी भागो। बैग कहाँ गया यार? साहब आप? हाँ मैं बुरा सपना देख रहा था ना। हाँ साहब। हाथ मुंह धो ले और चल मेरे साथ। सब तेरा सपना हकीकत में बदलने का वक्त आ गया। सर इन सब का चोरी किया हुआ सामान चेक किया मैंने, इनमें से एक के पास ये बैग मिला जिसमें गहने हैं। सर किसका बैग है? इस केशु का। सर केशु का? जरा बैग खोलो सचिन। रूपा जी देखिए जरा इन गहनों को, पहचानिए। ये तो मेरे ही गहने। क्या तो इसका मतलब है कि गहने भी तुमने ही चुराए और इनके पति मोहित का खून भी तुमने ही किया है? सर मैंने कोई खून वून नहीं किया है। सर खून नहीं किया मगर ये गहने तो तुमने इनके घर से ही चुराए ना? मैं इनके घर कभी गया ही नहीं सर। अगर तुम इनके घर नहीं गए तो फिर ये गहने आए कहाँ से तुम्हारे पास? बोल। सर ये गहने मैंने ज्वेलर की दुकान से चुराए। सर झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। इसी ने मेरे घर से मेरे गहने चुराए, इसी ने मेरे पति को मारा है। मैडम मैंने खून नहीं किया। मैडम आज से पहले मैं इस बिल्डिंग में कभी आया ही नहीं सर। यहाँ पर तुम पहली बार आ रहे हो? ये गहने इनके घर में अलमारी में रखे थे, अगर ये तुमने नहीं चुराए तो ज्वेलरी के दुकान में कैसे पहुँचे? साहब मेरा विश्वास करो साहब, ये गहने मैंने ज्वेलरी की दुकान से ही चुराए। आप चाहे तो वो दुकान दिखा सकता हूँ मैं आपको, चाहे फिर गहने चुराए जाओ। ले चलो इसे उस ज्वेलरी के दुकान में, देखते हैं कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। सर इसी गली में सर। कहाँ पे? सर ये वाली दुकान सर, इसी ज्वेलर्स के यहाँ से चुराए थे सर। यहाँ से चुराए? जी सर। कब चोरी की? कल रात को चुराया था। अंदर यहीं से घुसे थे ना? शटर का ताला तोड़ के। हाँ सर ताला तो टूटा हुआ है। एडी ये बोर्ड पे मोबाइल नंबर लिखा है मालिक का, बुला लो उसे। देखो लाइट का स्विच कहाँ है। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। दुकान के सारे गहने तो वैसे के वैसे।
सिर्फ मोहित के गहने चुराने आया था क्या? हैं? साहब मैंने लॉकर के सिवा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर मुझे तो लगता है कि इसने चोरी यहाँ नहीं की, मोहित के घर में की है, और उसका खून भी सर इसी ने किया है। सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं चोर हूँ सर, मैं खून ही नहीं हूँ। सर ये मोहित कौन है मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था सर, लॉकर में जितने गहने थे वही लेके मैं भागा, और लॉकर में किस किस के गहने मुझे क्या मालूम सर। सर दुकान का मालिक पहुंचने ही वाला होगा, जैसे ही बेचारे को पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हुई है जोर जोर से रोने लगा होगा। लॉकर कहाँ है? ये सर। तो पूरा खाली है? इसमें सिर्फ मोहित के ही गहने थे क्या? है? एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मोहित के गहने यहाँ कैसे आए सर? मैं लूट के बर्बाद हो गया। अरे, अरे मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया। एक मिनट प्लीज, आप लॉकर को हाथ मत लगाइए। शुक्र मानिए आपके दुकान के सारे गहने सही सलामत है। वो तो ठीक है, लेकिन इस लॉकर में मेरे लाखों के गहने रखे थे, वो कहाँ गए? वो चोरी हो गए थे, लेकिन घबराइए मत, वो सारे गहने हमारे पास है। कहाँ है गहने? आपके गहने इस बैग में सही सलामत है, ये देखिए। ठीक है, ये गहने आपके पास आए कहाँ से? कहाँ से आए मतलब? ये हमारे अपने गहने हैं। आपने बनाए? नहीं मैंने बनाए नहीं, किसी ने मेरे पास गिरवी रखे थे। गिरवी रखे? ये तो नहीं था। हाँ मोहित, इसी ने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन इससे क्या हो गया? इसकी मौत हो गई है। मौत? अच्छा ये बताइए कि मोहित गहने लेके आपके पास एग्जैक्टली कब आया था? कल शाम 5 बजे कहने लगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये गहने गिरवी रख लो। मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दिए। शाम 5 बजे आया था, ये गहने गिरवी रखने यहाँ आ गया, और ये बात उसकी वाइफ को मालूम नहीं? आप सच बोल रहे हैं कि कुछ छुपा रहे हैं? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए ये हो रहा है उसके सिग्नेचर। मैंने उसे 1000-1000 के नोटों के बंडल दिए थे। ताज्जुब की बात है, 50 लाख रुपए की लॉटरी जीतने वाला आदमी अपने गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपए लेके जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, और पैसों के बारे में उसकी वाइफ को कुछ पता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मेरे पति गहने गिरवी रखते तो मुझे जरूर बताते। रूपा जी, मोहित ने गहने गिरवी रखकर 10 लाख रुपए लिए। 10 लाख? जी हाँ। तो क्या 10 लाख रुपयों की जरूरत थी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर, सर इस कमरे में तो हर जगह देख लिया, 10 लाख रुपए कहीं भी नहीं। सर पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों से, मोहित घर में कोई पैसे नहीं लेकर आए। देखिए हो सकता है कि मोहित ने ये पैसे चोरी छिपे किसी और को दे दिया। देखिए हमसे कुछ छुपाइए मत। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मैं जानती थी, कुछ छुपा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों से। तो फिर 10 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ गए 10 लाख रुपए? रूपा जी मुझे तो लगता है कि आप कुछ जानती हैं, लेकिन बताना नहीं चाहती, बताइए प्लीज। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैं कुछ ही... एक मिनट मुझे याद आया, कल सुबह जब मोहित लॉटरी के टिकट के नंबर्स मैच कर रहे थे, तब इस खिड़की से पत्थर फेंका, उस पर एक कागज भी चिपका हुआ था। हाँ कैसा कागज? शायद उसमें कुछ लिखा था। क्या लिखा था, तुमने कुछ पढ़ा था? मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर हाँ सर जब मोहित ने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। उस कागज को पढ़ते ही मोहित का चेहरा उतर गया, और ये बात आप हमें अभी बता रही है? वो मोहित के मौत के बाद मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। चलो मान लिया आप टेंशन में थी, लेकिन आपने ये तो जरूर पूछा होगा ना मोहित से कि क्या लिखा था उस कागज पर? मैंने उससे पूछा, पर उसने मुझे बताया नहीं। कहाँ है वो कागज? वो कागज तो मोहित ने जला दिया। कागज जला दिया? से कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कागज की वजह से मोहित का खून हुआ? मगर क्या क्या था उस कागज में, क्या लिखा था? रूपा जी क्या कोई मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था? अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताते। रूपा जी देखिए, मोहित ने वो कागज जला दिया, गहने गिरवी रख के 10 लाख रुपए लिए, मगर वो 10 लाख रुपए वो घर पर नहीं लेकर आया। तो इसका मतलब एक ही होता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से मोहित को ब्लैकमेल कर रहा था।
पर सर, मोहित ने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया था, तो कोई उन्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा? देखिए, हम लोग भी यही पता लगाने के लिए आए। आप ये बता सकती हैं कि मोहित कल कितने बजे आया था घर वापस? कुछ 7 बजे के करीब। आपके पास मोहित का मोबाइल तो होगा ना? जी। प्लीज ले आइए। जी अभी। So, ज्वेलरी वाले ने बताया था कि मोहित गहने गिरवी रखने के लिए एग्जैक्टली 5 बजे आया था। 5 बजे मोहित गहने गिरवी रखने के लिए गया और 7 बजे घर वापस लौटा, तो फिर 5 और 7 बजे के बीच में मोहित ने 10 लाख रुपयों का किया क्या? सर, इस पे आखिरी कॉल किसी लैंडलाइन से किया गया है और नंबर है 1022-89382। 1022-89382। पता लगाओ ये नंबर है किसका। सर, इसके सारे नाखून बिल्कुल साफ है, कुछ भी अटका हुआ नहीं। लगता नहीं है इसकी किसी के साथ कुछ हाथापाई वगैरह हुई होगी। तो फिर क्या है, अपने आप गिर गया क्या खिड़की से? सर, ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी ने अचानक आकर धक्का दे दिया हो और संभलने का मौका ही ना मिला हो। ये भी हो सकता है तरीका। You're right. एक मिनट, अरे क्या देखो, इसके नाक में क्या है, काला काला सा? हाँ सर, काफी अंदर तक है। जरा टॉर्च देना। सर, थैंक यू। ये देखो, इसके नाक के अंदर तो जल गया है, ऐसा लगता है जैसे इसने आग सूंघ ली। सर, ऐसा लग रहा है कि शायद इसने कुछ बिल्कुल गरम गरम इसे सूंघ लिया हो। तारिका, इसके अंदर इतना जल गया है नाक में, तो इसके फेफड़ों में भी जरूर कुछ होगा। एक काम करते हैं, इसकी ऑटोप्सी करके देखते हैं। सर, ये लीजिए। क्या आपके यहाँ से किसी ने मोहित को फोन किया था? जी हाँ, मैंने किया था। आप क्या मोहित के दोस्त हैं? हम लोग CID से। आपने मोहित को क्यों फोन किया था? सर, मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने किया। वो फोन ही नहीं उठा रहा अपना। शक हुआ था क्यों? सर, वो गलत आदमी है, कुरियर से रुपए भेज रहा था। कुरियर से रुपए भिजवा रहा था? जी। रुपए आपने भिजवा दिए क्या? जी नहीं, अभी नहीं। तो पार्सल कहाँ है? देखो सर, जब वो आदमी कुरियर करने आया तो हमने उससे पूछा भी था कि इस पार्सल में है क्या। वो कहता है कि इसमें कुछ जरूरी पेपर्स हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसमें रुपए हैं? एक्चुअली ये पार्सल देखने से लगता ही नहीं था कि ये पेपर्स का पार्सल है। तो सर, मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें रुपए थे। सर, हजार हजार के नोटों की 10 गड्डियां हैं, 10 लाख पूरे। सर, जहाँ पे मोहित ने अपने गहने गिरवी रखे थे, उस ज्वेलर ने भी मोहित को 10 लाख रुपए ही दिए। सर, कहीं ये 10 लाख रुपए वही तो नहीं? गहने गिरवी रखे मोहित ने 10 लाख रुपए लिए, किसको भेज रहा है ये 10 लाख रुपए और क्यों? ये एड्रेस तो इसी शहर का है सर। सचिन, मोहित ये 10 लाख रुपए जिसे भी भेज रहा था, वो अब भी इन पैसों का इंतजार कर रहा होगा। तारिका, इस कैमरे को इसके शरीर के अंदर डाल के देखते हैं। इस कैमरे से इसके शरीर के अंदर जो कुछ भी है साफ दिख जाएगा। सर, आप सही कह रहे थे, फेफड़े पूरी तरह से काले हो चुके हैं। ये काली काली चीज क्या है, इसे तो काट के ही देखना पड़ेगा। तरीका, एक काम करो, स्केलपल दो जरा। ये काला काला जो कुछ भी है इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तरीका, एक काम करो, टेराफाइट केमिकल लेके आओ। एक काम करो, तुम टेट्रामेसिनोल केमिकल भी लेके आओ। तारिका, तो सालों के सर का कुछ हो गया है। क्या सालों के कुछ हो गया?
क्या हुआ है सानुखे को? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है तारिका? तुम वहाँ पर थी ना उसके साथ? मैं तो थी उनके साथ, लेकिन अचानक वो ऑटो से टच करे थे और अचानक गिर गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो बेहोश हुआ है क्या वो? हाँ, हाँ। तो पल्स चेक किया क्या नहीं उसकी? पल्स तो नॉर्मल है, लेकिन सर वो कुछ बात ही नहीं कर रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा सुनो तारिका, देखो घबराने से कोई काम नहीं होगा, तुम एक डॉक्टर हो समझी? सानुखे को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल। घबराओ मत, हम लोग आ रहे उधर। तो अभी डॉक्टर सारंगी की तबीयत ठीक है ना? जी सर, अभी वो खतरे से बाहर और किसी वक्त उन्हें होश आ सकता। ओके सर, सर सर होश आ गया, डॉक्टर सारंगी को होश आ गया। आई एम ओके। नर्स जिंदा है? इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुझे। अच्छा बता, क्या खाया तूने जो तेरी ये हालत हो गई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी खीर खा ली थी। सीधा जवाब नहीं दे सकता सारुंखे? तुम सीधा सवाल नहीं पूछ सकते है? अरे बाबा कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा मजाक छोड़, बता क्या हुआ था? मोहित के फेफड़ों में कुछ काला काला जमा हुआ था। मैंने मोहित के फेफड़ों का ऑटोप्सी किया, एक केमिकल डालते ही उसमें से एक जहरीली गैस निकली। जहरीली गैस? वो जहरीली गैस मेरे नाक में गई तो मेरी हालत हो गई। और सारुंखे क्या क्या वो काली चीज क्या थी जो मोहित के फेफड़ों में थी? हैं? लेरोनियम एमोरफेट नाम का जहर है। लेरोनियम एमोरफेट? बहुत ही खतरनाक जहर है। बस मुझे लगता है किसी ने मोहित के आसपास ये जहर रिलीज किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि मोहित की मौत इस जहरीली गैस की वजह से हुई है? नहीं बस, मोहित की मौत तो ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है। मगर सर हमें मोहित के घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे ये जहर रिलीज किया जा सकता था। वैसे भी विवेक, कोई भी गैस हल्की होने की वजह से नीचे से ऊपर तक चढ़ती है, तो शायद ये हुआ होगा। सचिन, मोहित जिस आदमी को 10 लाख रुपए भेजने वाला था उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर एड्रेस तो यही का पता है। नहीं सर, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं। दरवाजा खटखटा के देख लिया, खिड़की दरवाजे से झांक भी लिया सर। हाँ सचिन, हमें देख रहा है। सचिन, जिसने भी ये पैकेट कुरियर से इस एड्रेस पे मंगवाया है उसे ये तो मालूम होगा कि कुरियर वाला ऐसे पैकेट डाल के नहीं जाएगा। हाँ सर, ये बात तो है सर। सचिन तुम वहीं पे रहो, हम लोग दूर से सब कुछ देख रहे हैं, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ठीक है सर। ये आवाज कैसी? सर मोबाइल के बजने की आवाज आ रही है। मोबाइल? लेकिन आसपास कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये मोबाइल कहाँ बज रहा है। सर लगता है ये आवाज लेटर बॉक्स से आ रही है। पोस्ट बॉक्स? ठीक है फोन निकालो पोस्ट बॉक्स से, देखो नंबर कौन सा है और फोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कुरियर वाला बोल रहा हूं सर। क्या पैकेट डिलीवर करने आए हो? हाँ साहब, आप कौन बोल रहे साहब? दरअसल वो पैकेट मेरा ही है। अरे साहब आप किधर है? ये पार्सल लेके कब से घूम रहा है साहब? मैं तो घर जाने वाला था लेकिन आपका फोन आ गया साहब। हाँ मैं बंगले में नहीं हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया। तुम ऐसा करो वो पैकेट बंगले के अंदर रख दो। बंगले के अंदर साहब? हाँ हाँ बंगले के अंदर। सर वो पैकेट बंगले के अंदर रखने को बोल रहा है। मुझे ऐसे कहता है वैसे करो। हाँ साहब बोलो साहब, पार्सल किधर रखना साहब? एक काम करो बंगले के मेन दरवाजे पे आओ। मेन दरवाजे? दरवाजे पे पहुंच गए साहब। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो? हाँ दरवाजा खोलो, खुला हुआ दरवाजा। ठीक है साहब। सचिन बंगले के अंदर घुस रहा है, इधर उधर नजर रखो, शायद वो आदमी यहीं कहीं आसपास छुप के बैठा होगा।
सर फिर तो वो सचिन सर पे भी हमला करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ विवेक तैयार हो, अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दे तो सचिन को बचाने के लिए भागना होगा। अब मैं अंदर पहुंच गया सर, अभी मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाऊँ। ठीक है सर। सर मैं ये पार्सल यहाँ हॉल में रख दूँ? नहीं तुम सीधा आगे चलो। ठीक है सर। सचिन सब ठीक है अंदर? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है सर, यहाँ पे काफी पुराने फर्नीचर रखे हुए हैं और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। साहब मैं पार्सल किधर रखना है साहब? सामने देखो तुम्हारे दाईं तरफ एक कबर्ड दिखाई दे रही है। हाँ साहब दिखाई दिया कबर्ड। उसे खोलो, दाईं तरफ में एक शेल्फ होगा उसमें रख दो। ठीक है साहब अब मैं रखता हूँ साहब। हाँ साहब अब पार्सल रख दिया साहब। वो मोबाइल भी उसी में रख दो और बाहर चले जाओ। मोबाइल भी? ठीक है सर। सर ये आदमी मुझे बाहर जाने को कह रहा है। ठीक है आ जाओ। ठीक है सर। सचिन बाहर आ रहा है। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज आई? हाँ सर कुछ आवाज आ रही है। ये आवाज तो इस कबर्ड में से आ रही है। माय गॉड ये क्या? ये मोबाइल और पार्सल यहां से गायब हो गया सर। गायब है? कैसे? कबर्ड के थ्रू दीवार में छेद करके। छेद? विवेक जल्दी से बंगले के पीछे की तरफ जाके देखो। पूर्वी बंगले के दूसरी तरफ जाओ, हम लोग अभी आते हैं। सचिन जल्दी। कबर्ड में से छेद किया गया। इसे मालूम था कि सीआईडी वालों को पता भी चल जाए तो इस रास्ते से बच जाएगा वो, मगर हमने बाहर तो किसी को भागते हुए देखा नहीं। सर आसपास कोई नजर नहीं आया। नहीं सर, वो शेल्फ इसी छेद में से घसीटा गया था, यहाँ पे घसीटने के निशान भी है। एक मिनट। ये देखिए सर वो शेल्फ यहाँ से घसीटा गया है उन पेड़ों के बीच दीवार तक। देखते हैं घसीटने के निशान कहाँ तक जाते हैं। ये देखो इसका मतलब है वो आदमी यहाँ छुप के बैठा था दीवार के उस तरफ और यहाँ से रस्सी से उसने शेल्फ को खींचा और इसके अंदर से पैसे और मोबाइल लेके चला गया। सचिन तुम्हें वो नंबर याद है जिसे फोन किया था उसने? हाँ सर। जरा फोन लगाओ उसे और उसे कहो जहाँ जी चाहे वहां जाके छुप जाए, सीआईडी के हाथों से नहीं बचेगा वो। और हाँ जरा इत्मीनान से गिनने के लिए कहना उससे हमारे रखे हुए नकली नोट्स। सर अगर जहरीली गैस नीचे से ऊपर की तरफ आई होगी तो इस चौथे माले के फ्लैट से ही आई होगी सर। ये फ्लैट तो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता साहब। सचिन खोलो जरा दरवाजा, अभी पता चल जाएगा। समझे? क्या हुआ? ये देखिए सर ताले के साथ छेड़छाड़ की गई। ताले के साथ छेड़छाड़ की गई है? हैं? इसका मतलब है कोई तो घुसा है, कोई तो घुसा है इस घर में, समझे? साहब कोई अंदर आया तो हमें कैसे नहीं पता चला? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तुमने मदद की है उसे जो भी घुसा है इस फ्लैट में। साहब मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ साहब? तुम्हारे नाक के नीचे हुआ ये सब। सिक्योरिटी गार्ड बना है, घर का कोना कोना छान मारो, एक एक कमरा चेक करो, एक एक कोना छान मारो। दरवाजा टूटा है।
अच्छा इस कर्ची में कुछ जलाया हुआ है। सचिन ये देखो क्या मिला है, एक कर्ची और उसके अंदर कुछ जलाया हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो जहरीली चीज इसी में जलाई थी? मुझे भी यही लग रहा है सचिन। जिस वक्त मोहित इसी बालकनी के ऊपर वाली बालकनी में खड़ा होगा उसी वक्त खूनी ने इस कर्ची में वो जहर वो लेरोनियम एमोर्फिट जलाया जिसका गैस ऊपर चढ़ के से सीधे मोहित के नाक में घुस के फेफड़ों में चला गया जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगा। उसी अवस्था में मोहित ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया और मोहित की मौत हो गई। इतनी जहरीली गैस तो खूनी के नाक में भी तो गई होगी। तो हो सकता है खूनी ने कोई स्पेशल मास्क लगाया हो। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, खूनी को ये कैसे पता था कि उसी वक्त मोहित ऊपर बालकनी में खड़ा होने वाला है? वही तो, उसी वक्त मोहित बालकनी में कैसे खड़ा था ये तो सचिन ऊपर वाले घर में जाकर ही पता चलेगा। काजल संभाल लो, इस फोरेंसिक लैब में भेज दो, ऊपर वाले फ्लैट में चलते हैं। मेरे पति के कजिन के बारे में कुछ पता चला? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पकड़ा भी जाएगा थोड़ी देर में। बस हमें मोहित का कमरा फिर से चेक करना है। सर आपको जो करना है कीजिए, पर कैसे भी करके मेरे पति मोहित के कातिल का पता लगाए जल्द से जल्द। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोहित बालकनी में गया ही क्यों? वही पता लगाना है रूपा जी, मोहित बालकनी में गया ही क्यों? एक्सक्यूज मी सर। हेलो 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 हेलो, देखो मैं तो बाद में फोन कर, मैं जरा काम में बिजी हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ सर? खूनी के प्लान का पता चल गया सचिन। ओके सर। तुम फोन पर बात करने के लिए बालकनी में गए थे ना? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्लियर नहीं था। यहाँ पर सिग्नल क्लियर नहीं था कमरे के अंदर, इसलिए तुम बालकनी में गए फोन पर बात करने के लिए। तो बस वैसे ही मोहित को भी फोन आया था कमरे के अंदर उस कोरियर वाले से। यहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं था इसलिए मोहित फोन पर बात करने के लिए बाहर गया। फोन पर बात कर रहा था उसी वक्त नीचे वाले बालकनी में खूनी तैयार बैठा था। जैसे ही मोहित बालकनी में आया खूनी ने वो जहर जलाया कड़छी में जिसका गैस ऊपर आकर मोहित के फेफड़ों में चला गया, मोहित बेहोश हो गया और उसी हालत में नीचे गिरकर मौत हो गई उसकी। मतलब सर खूनी पहले से ही नीचे वाली बालकनी में मोहित का इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली, नीचे इंतजार कर रहा था वो। लेकिन सर ये अचानक मोहित का खून क्यों किया होगा उसने? हाँ सर, ना तो मोहित ने किसी के साथ झगड़ा किया था और ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। सर हो सकता है 50 लाख जीतने के बाद दुश्मन पैदा हो गए। हाँ हो सकता है, 50 लाख जो जीते थे वो 50 लाख वाली लॉटरी और न्यूज़पेपर कहाँ है? जी कमरे में। जरा प्लीज, मोहित के खून का सारा राज इस 50 लाख की लॉटरी और उस न्यूज़पेपर में छुपा है। सचिन, इंडिया और श्रीलंका की फाइनल मैच कितने तारीख को थी? फाइनल मैच तो 13 तारीख को था और उस मैच का पूरा रिपोर्ट 14 तारीख के पेपर में आया था। मैंने भी पढ़ा था वो रिपोर्ट। और मोहित की मौत हुई 15 तारीख को, तो फिर 15 तारीख के पेपर में 14 तारीख का मैच का पूरा रिपोर्ट फिर से वैसे के वैसे ही कैसे छपा और क्यों छपा? मतलब सर ये अखबार नकली है, और अगर ये अखबार नकली है तो लॉटरी के रिजल्ट भी नकली है। बिल्कुल विवेक, और ये सारा किस लिए किया गया? मोहित को फंसाने के लिए। ये पेपर और लॉटरी का रिजल्ट झूठा है। जी हाँ, इतना बड़ा धोखा। वैसे ये न्यूज़पेपर रोज आपके घर पे कौन डिलीवरी करता है? वो राजू। राजू, ये राजू ही बता सकेगा कि ये झूठा अखबार आया कहां से। अभी यहाँ से पता करना पड़ेगा किसी से राजू का न्यूज़पेपर स्टैंड कहाँ पर है।
अरे भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब जाओ, नहीं रुकना है तो मत रुक, मेरे बाप का क्या जाता सर, कोई बेवकूफ था सर, बेवकूफ था और नहीं तो क्या, दो बातें सीख लेता मेरे से, खुद का ही नुकसान करके गया। अच्छा वो सर चला गया, दिन खराब हो जाता। क्या बोला तू? एक मिनट, नहीं नहीं कुछ नहीं सर, रुक पेपर वाला दिख रहा है। राजू जी साहब बोलिए, आप लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? शांतिवन में तुम ही अखबार डालते हो? हाँ मैं ही डालता हूँ, पर क्यों? मोहित के घर पे भी न्यूज़पेपर तुमने ही डाला था? साहब आप उन्हीं मोहित की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने कूद कर जान दे दी? हाँ वही। हाँ साहब उनके यहाँ भी मैं ही डालता था, मेरा तो एक कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया या कस्टमर कम कर दिया? कस्टमर मैं क्यों कम करूँगा, अरे कस्टमर कम करने तो मेरा ही नुकसान है ना। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग हैं कौन और मोहित के बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मोहित के घर पे नकली अखबार क्यों डाला जिसमें लॉटरी का नकली रिजल्ट छपा हुआ था? अखबार नकली था? अखबार नकली था और उसी अखबार की वजह से उसका खून हुआ है। मगर साहब मोहित ने तो आत्महत्या की है ना? आत्महत्या नहीं की है उसने, खून हुआ है उसका। कहाँ से आया वो अखबार तुम्हारे पास? अब साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, अखबार तो वहीं से आएगा जहाँ से रोज आता है। लेकिन साहब मुझे इतना तो बता दो कि आप लोग हो कौन? वो सब छोड़ो तुम, पेपर नकली था आसपास वालों से हमने पता किया है। किसने डाला था वो पेपर? सर उसे मालूम था वो अखबार नकली था। ये झूठ है, देखिए अखबार मैंने नहीं डाला। और कौन अखबार डालता है? अरे अरे वो साहब उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। किसने किसने धोखा किया तुम्हारा? एक आदमी कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि मुझे अखबार बांटने का काम करना है, तो इसीलिए वो मेरे साथ आया अखबार बांटने का काम सीख रहा था। और हाँ कल उसी ने तो पेपर डाले थे। कौन था वो? उसका नाम बिलाल है। बिलाल? कहाँ मिलेगा ये बिलाल? वो थंडर पब में मिलेगा साहब। थंडर पब? साहब अब तो बता दो कि आप लोग हो कौन और इतने सवाल क्यों कर रहे थे? CID। पक्का यकीन है वो आएगा यहाँ पे? जरूर आएगा। कहीं से तो नहीं कहीं और चला जाए, हम लोग यहीं वेट करते रह जाएं। अरे साहब उसका कोई अड्डा नहीं, उसकी जान पहचान है ना यहाँ पर, जरूर आएगा। तू इस पब के बारे में कैसे जानता? यहाँ दारू पीने आता? अरे साहब किसी पब की दारू नहीं पी तो क्या, उस पब की खबर जरूर रखता हूँ। साहब साहब आ गया वो। यही है? हाँ यही है। हेलो दे, शिकार आ गया, ये कॉर्नर पे बैठा है। कौन हो तुम लोग? अभी जी ये पूछ रहे कि हम लोग कौन है? अरे पहचानेगा कैसे भाई, हम लोग डिस्गाइज में है ना। अरे हाँ डिस्गाइज में। बट अबे ओए शर्ट का कॉलर छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है, बहुत बड़ी गलती की है तूने। अच्छा हाँ कॉलर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? नहीं छोड़ेगा। सर, सर, सर दर्द हो रहा। तेरा तो सुर बदल गया। क्यों मारा लोगों को? पैसों के लिए। पैसे तो भेज दिए थे कुरियर से, तो जान से मारने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। असली बात बोल, पुलिस से क्यों डरता? मैं लोगों को 50 लाख की झूठी लॉटरी लगवाने का लालच देकर उसे 10 लाख रुपए पहले ले लेता था और फिर लॉटरी का रिजल्ट एक नकली अखबार बनकर उसमें छपवा देता। लॉटरी का रिजल्ट देखकर लोग खुश हो जाते थे और मुझे 10 लाख रुपए दे दिया करते थे। और तुझे पता था कि लॉटरी का झूठ लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए पहले ही उनको मार देता था, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे किए हुए खून आत्महत्या लगे। मोहित के साथ भी यही किया?
जैसे ही मुझे पता चला कि मोहित की लॉटरी लग चुकी है तो मैंने उसको पैसों के लिए मैसेज किया पत्थर के नीचे कागज रखकर। तो वो पत्थर तुमने फेंका था? जी फिर मुझे पता चला कि मोहित की नीचे वाला फ्लैट खाली है तो एक दिन रात को मैं वहां जाके छुप गया और उसका इंतजार करने लगा पर जब वो बालकनी में आया तुमने नीचे से वो जहर जला दिया। बेचारे लोग लॉटरी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तुम्हारे जाल में फंसते रहे और अपनी जान गंवाते रहे लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो जाल तुम लोगों के लिए फैला रहे हो एक दिन वही जाल तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगा। जाओ सड़ो जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।